So yeah, let's just get on the video. What? What अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे ना इतनी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ना आज मेरी टंग बहुत ट्विस्ट हो रही है यार, मैं अपनी बात ही नहीं कह पा रही हूँ। कोई सेंस है इस बात की? ढंग से मैं कभी पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। एनीवे, लेट्स जस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम गेट ऑन टू द वीडियो। हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ एक बहुत पब्लिक डिमांड पे हूँ क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं जिसमें गर्ल्स जानना चाहती हैं कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है। तो मैंने सोचा, मैंने अपने लाइव सेशन में भी प्रॉमिस किया था कि आई विल सून कम अप विद समथिंग टू टेल यू गाइज व्हाट माय एग्जैक्ट रूटीन इज। कुछ बातें भी हैं जो बतानी जरूरी हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं मेरे लाइफ स्टाइल में जो मैंने चेंज करी हैं, जिनकी वजह से मैं नोटिस करी कि मेरी स्किन थोड़ी बेटर हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं मैं ये नहीं कहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट है पानी पीना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है यार अपना ध्यान रखना और एक रूटीन में अगर आप आते हो तो उसको रिलीजियसली फॉलो करना। ये नहीं कि आज कर लिया स्किन केयर तो दो दिन बाद छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन फिर करने बैठ गया, ऐसे नहीं होता। इट डिमांड्स इट डिमांड्स यू टू बी कंसिस्टेंट विद इट। मैं प्रोडक्ट्स तो आपको डेफिनेटली बताऊंगी क्योंकि हर चीज के लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट है यार। तो या विल डेफिनेटली गेट ऑन टू दैट वन, बट उससे पहले जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि एक प्रैक्टिस है जो मैं काफी सालों से फॉलो कर रही हूँ एंड इट डज रियली वर्क फॉर मी। वो ये है कि डबल क्लेंजिंग। जब भी अगर आपने अपने फेस पे मेकअप लगाया है, इनफैक्ट अगर आप सारा दिन बाहर थे सनस्क्रीन के साथ भी, तो भी आपको घर आके पहले अपने फेस को किसी मेकअप रिमूवर से क्लीन करना है। माइसेलर वाटर यूज करो, आमंड ऑयल क्लेंजर यूज करो, कुछ भी यूज करो। मैं तो ये यूज करती हूँ और ये मैं 8th स्टैंडर्ड से यूज कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम बायोटिक आमंड ऑयल क्लेंजर। दिस रियली वर्क्स वेल फॉर माई स्किन। ये पूरा आपका काजल हो, कुछ भी हैवी मेकअप हो, स्मोकी आईज, ये यू करके रिमूव कर देता है एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। रिटेल्स फॉर अबाउट 210 INR। फर्स्ट ऑफ ऑल माई स्किन इज कॉम्बिनेशन। मेरा टी जोन जो है वो ऑयली है और मेरा रेस्ट ऑफ द फेस इज रियली ड्राई। सो विंटर्स का मेरा फेस वॉश अलग है और समर्स का अलग है और काफी सालों से ये सेम ही है। तो विंटर्स में मैं यूजुअली निविया का ये फेस वॉश यूज करती हूँ बिकॉज इट्स क्रीम बेस्ड। ये विंटर्स में मेरी स्किन को, जो यूजुअली सबकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है विंटर्स में, दिस रियली हेल्प्स मी विद दैट। एंड बिकॉज नाउ समर्स आर अप्रोचिंग, आई हैव ऑलरेडी गॉट माई समर फेस वॉश विच इज दिस वन फ्रॉम लोटस। दिस इज लोटस हर्बल्स होहोबा वॉश। I like this one because this is gel based and a gel based product really works well for me during summers. It has some active mili capsules also which is very nourishing for the face. And after I wash my face always I use face tissues like these ones. हमेशा मैं जो face अपना wipe करती हूँ, मैं कभी भी रब नहीं करती हूँ अपने फेस को, मैं पैड ड्राई करती हूँ इस तरह। एंड आई यूज अ फेस टोनर। करंटली आई हैव बीन यूजिंग द मामा अर्थ विटामिन सी फेस टोनर। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। दिस इज विद विटामिन सी एंड क्यूकम्बर। टेकिंग इट लाइक सो ऑन माय स्किन, आई जस्ट पैट इट लाइक दिस। बाय द वे, आई जस्ट केम आउट ऑफ शावर एंड आई एम बेयर फेस, आई हैवंट यूज्ड एनी प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ। तो मेरा, बिकॉज ये जो मेरा एरिया है ना, इट गेट्स, आई हैव लिटल पोर्स हियर, तो मुझे उसके लिए ये टोनर अच्छा लगता है। आई डोंट यूज इट एट नाइट, मैं सिर्फ डे में इसको यूज करती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है स्वरोस्की का, ये रोज मिस्ट, रोज ग्लास मिस्ट करना। मेरा AM और PM का रूटीन, रूटीन एज इन स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है बट प्रोडक्ट्स अलग हैं। बिकॉज डे में यूजुअली हमें मेकअप करना होता है, हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, बट रात को हमारी स्किन थोड़ी रिलैक्स्ड होती है। आई प्रेफर यूजिंग हैवियर प्रोडक्ट्स एट नाइट बट लाइटर प्रोडक्ट्स ऑन द स्किन ड्यूरिंग द डे, बिकॉज मुझे मेकअप करना होता है और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा स्किन केयर करूँ जिसकी वजह से मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा ऑयली हो, बिकॉज आई हैव टू डू मेकअप आफ्टर दिस। सो स्किन प्रेप भी होती है इससे, इट वर्क्स एज अ टोनर ऑल्सो एंड इट हैज अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस ऑफ रोज पेटल्स ऑल्सो। विद टाइम आई हैव रियलाइज दैट द लेसर द बेटर, द लेसर प्रोडक्ट यू यूज ऑन योर स्किन द बेटर योर स्किन विल लुक। जो मुझे सूट करता है, जरूरी नहीं है वो आपको सूट करे, इसलिए
I am telling you the products that really have worked wonders for me. These are just my recommendations. I'm not a dermat, because if you're somebody who's walking the same path as me, by all means you can use these products, and I'm sure they're going to work well for you also. The third step, and a very important step that I do, is use this glass skin willow bark extract oily and acne prone serum. This is from Faith and Patience. Lately I've been using this product and this is really working well for my skin. Mere skin pe bahut zyada acne marks ho gaye the, jinki wajah se main bahut zyada bother ho rahi thi. I was losing on my confidence also. Abhi to ye bahut light ho gaye hain, lekin ye pehle bahut dark the. So I know this really works in reducing your acne spots, and it also works on the active acne if you have. और ये कैसा सीरम है जो आप AM and PM दोनों में यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वॉट आई यूज बिफोर अप्लाइंग माई मॉइस्चराइजर. स्किन केयर में हर प्रोडक्ट को एटलीस्ट 6 सेकेंड देती हूँ अपने स्किन पे काम करने के लिए, या अब्जॉर्ब होने के लिए, या ड्राई आउट होने के लिए. क्योंकि आप जब एकदम से लोड करते हो अपने फेस पे प्रोडक्ट, तब भी आपका मेकअप केक ही होता है. थर्ड स्टेप जो मेरा रहता है वो एक सनस्क्रीन है. पर मैं अगर मेकअप लगा रही हूँ तो मैं इस सनस्क्रीन को इस एम्ब्रोलिस के साथ मिक्स ज़रूर करती हूँ. क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक सनस्क्रीन लगाऊंगी तो उसके ऊपर मेरा मेकअप अच्छे से नहीं बैठेगा. बिकॉज फॉर मेकअप टू लास्ट लॉन्ग इट नीड्स टू स्टिक ऑन टू योर फेस, एंड फॉर दैट दिस क्रीम इज रियली नाइस. दिस इज एम्ब्रोलिस. यू कैन गेट इट ऑन अमेजोन, नायका, इट्स एवरीवेयर. मैं इतना क्रीम लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा सा बेस बनाना होता है ना. और ये साथ में एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन इसके साथ मिक्स करती हूँ थोड़ी सी. अगर मैं मेकअप ना कर रही होती और सिर्फ घर में रहती तो मैं सिर्फ एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन लगा के मेरा स्किन केयर डन हो जाता. मैं और कुछ नहीं करती फिर. ठीक है, मैं लिप बाम भी लगाती हूँ. दिस इज फ्रॉम लेनेज और ये मेरा बहुत अच्छा लिप बाम है, मेरा फेवरेट. तो दिस इज वेयर माई AM स्किन केयर एंड्स. इन सारे प्रोडक्ट्स में जो मैंने आज आपको बताया, द वन दैट आई वाउच फॉर इज दिस वन फ्रॉम फेथ एंड पेशेंस. दिस हैज रियली वर्क फॉर माई एक्ने स्कार्स. ये बहुत लाइट हो गए हैं पहले से लिटरली, और मेरी स्किन का टेक्स्चर भी बहुत स्मूथ हुआ है. तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है आउट ऑफ ऑल. Again, it's my recommendation. You can, and also this is non-sponsored, so just to let you know. Because ये आजकल बहुत चल रहा है YouTube पे, everybody's like bloggers are interested only in promoting the stuff they're getting paid for. No, that's not true. Somebody who really cares about is somebody who really is not doing it only for money, but also to spread awareness, and somebody who really loves helping would tell you genuine products only. So I am one of those. So that's all. Thank you so much for watching. I hope this was helpful for you, and thank you for giving me your time, and that's it. I love you.